देखिए, लोकतंत्र पर लगातार जो प्रहार हो रहा है, आज पहले चरण का मतदान शुरू भी हो चुका है, दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में चुनाव है। इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जिस भी तरीके से, जिस भी प्रकार से हम लोग विदा कर पाए, हम विदा करके रहेंगे। अखिलेश यादव जी का आज यहाँ कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की हैसियत से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार ये जो रैली यहाँ अखिलेश यादव जी की होने जा रही है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर जी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और अखिलेश यादव जी आज यहाँ के चुनाव की दशा और दिशा तय करके जाने वाले हैं। निश्चित तौर पर आज जो सकारात्मकता का अनुभव, जो सकारात्मक संदेश लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, उन सभी के जो कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, जो संदेश लेकर के जाएंगे, वो संदेश निरंतर 26 तारीख तक गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा फैलाने का काम करेंगे। और अंतोगत्वा 26 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो डॉक्टर महेश शर्मा यहां से विदा हो जाएंगे और डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, यहाँ के सांसद के रूप में यहाँ की आम आवाम की आवाज भारतीय संसद में उठाने का काम करेंगे। ये मैं कहना आप क्या कहेंगे? कहने को तो हमारे जिला अध्यक्ष दीपक भाई ने बोल दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 4 जून को मोदी जी कहते हैं जोड़ा उठा के चल दूंगा, तो जोड़ा पैक हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने जोड़ा पैक करा दिया है। अब मोदी जी का विदाई का समय आ गया है, अब बाकी ऐसा नहीं जाने देंगे। उसमें इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जो 18,000 करोड़ का जो देश का सबसे बड़ा घोटाला, उसका उजागर होगा और ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे तो जेल के अंदर जाएंगे। आप क्या कहेंगे चुनावों के बारे में? देखिए, आज जो ये ऐतिहासिक रैली माननीय अखिलेश यादव जी की होने जा रही है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर गठबंधन के सभी साथी आए हुए हैं और आज यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे कि 26 तारीख तक सभी लोग अपने आप को महेंद्र नागर समझकर माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। और अभी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 4 जून को ये सच्चाई है, पब्लिक के अंदर अंडर करंट है, पब्लिक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आहत आ चुकी है। आज महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, सभी चीज पर ये सरकार फेल रही है। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, कहीं शिक्षा की कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई है, पेपर लीक आप देख ही रहे हैं। हमारा युवा मेहनत करता है, उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है। तो पूरी पब्लिक आज इसके विरोध में है और 26 तारीख को यहाँ से साइकिल का बटन दबेगा और महेंद्र नागर जी हमारे आने वाले गौतम बुद्ध नगर के सांसद बन जाएंगे।